तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग के अपडेट्स के लिए। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम दी बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए आज इस वीडियो के अंदर बहुत ही सारी WWE से रिलेटेड मल्टीपल एंड फ्रेश अपडेट्स लेकर आएंगे, जिसमें हम जॉन सिना, रॉ, अंडरग्राउंड, NXT एंड और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये हर बार की तरह वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्विक हिंट्स के बारे में। इस वाली वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा क्या है रॉ, अंडरग्राउंड एंड NXT का फ्यूचर, जब रॉ एंड स्मैकडाउन जा चुका है MV सेंटर के अंदर, तो क्या NXT भी वहां पर जाएगा एंड रॉ अंडरग्राउंड भी MV सेंटर के अंदर होगा या फिर नहीं, इसको लेकर एक काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है सामने। मुस्तफा लेकर रिएक्शन भी आ चुके हैं सामने, जब वो हो गए काफी ज्यादा निराश WWE कंपनी से जब उन्हें मिली सबसे पहली इलेमिनेशन रॉ के एपिसोड के अंदर। इस हफ्ते क्या रही रॉ की व्यूअरशिप, इसके बारे में भी करूंगा बात, क्योंकि ये था गो होम एडिशन रॉ की तरफ से समर स्लैम पे पर व्यू को लेकर। डोमिनिक का क्या होने वाला रिंग अटायर WWE के समर स्लैम शो के अंदर, इसको लेकर भी कह सकते हैं हिंट आ चुके हैं सामने। गोल्डबर्ग की WWE रिटर्न कब होने वाले, कितने मैचेस वो और WWE कंपनी के अंदर रेसल करेंगे, इसको लेकर भी एक अपडेट आ चुकी है। फाइनल अपडेट के अंदर हम लोग करेंगे बासी नेशनल लीडर 16 टाइम चैंपियन जॉन सिना एंड एकदम उनके न्यू लुक के बारे में, क्योंकि जॉन सिना की अब आ चुकी है मूछें, तो जॉन सिना सही में लग रहे बहुत ज्यादा अजीब। तो इस वाली वीडियो के अंदर मैं इतनी सारी मल्टीपल अपडेट्स के बारे में करूंगा बात। तो अगर आपको जानना सभी अपडेट्स के बारे में जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, तो बस आपको देखना पड़ेगा इस वाले वीडियो को पूरा एंड तक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन गाइस इस बार मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूं मुस्तफा अली के साथ, जिन्होंने रिसेंटली रॉक एपिसोड में कंपीट किया था 6-man इलेमिनेशन टैग टीम मैच के अंदर। अब देखो WWE ने बुक किया तो मुझे ऐसा लगा कि मुस्तफा अली कुछ नहीं तो आखिरी तक तो टिकेंगे इस वाले मैच के अंदर। अगर ये कह सकता हूं मुस्तफा अली वाली टीम जीतेगी तो मुझे लगा मुस्तफा अली उस वाली टीम को जिताने वाले। लेकिन ये काफी शॉकिंग कह सकता हूं थिंग होती है इस वाले मैच के अंदर, जब WWE सबसे पहले मुस्तफा अली की ही इस वाले मैच के अंदर एलिमिनेशन दिखाती। तो गाइस आपको बता दूं इसके बाद जो मुस्तफा अली हैं, ऐसे कुछ र्यूमर्स एंड अपडेट्स आ रही हैं, वो काफी ज्यादा गुस्सा या फिर वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं WWE कंपनी से कि किस तरीके से वो उनकी स्टोरी लाइन को पूरी तरीके से दिखा रही है। जो फैंस है वो भी काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, इसलिए ट्विटर पर वो क्वेश्चंस पूछते हैं यहाँ पर मुस्तफा अली से कि आपके क्या फीलिंग्स है, आप अपनी फीलिंग शेयर करो जब आपको रॉक एपिसोड के अंदर WWE कंपनी की तरफ से सबसे पहले एलिमिनेशन दे दिएगा। तो गाइस आपको बता दूं इसको लेकर जो मुस्तफा अली हैं वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक ट्वीट करते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से अब वो समय आ गए कि मैं कैमरा खुद उठाऊं, क्योंकि मैं ये क्यों एक्सपेक्ट करूं कि कोई और बंदा मेरी पूरी की पूरी स्टोरी सही से बता सकता है। यानी कि कुल मिला के मुस्तफा अली कहने का मतलब ये है कि भाई मैं खुद कैमरा उठा के इससे बढ़िया अपने मैचेस शूट ना कर लूं, ताकि वो अच्छी तरीके से शूट तो हो पाए और जिस तरीके से मैं दिखाना चाहता हूं अपने आप को टीवी के ऊपर, वो जो फैंस देखना चाहते हैं मुझे जिस तरीके से, मैं उस तरीके से एटलीस्ट उन्हें दिखा तो पाऊं। और मेरे हिसाब से जो फ्रस्ट्रेशन है एक्चुअली मुस्तफा अली की वो एकदम सही है, क्योंकि मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मुस्तफा अली को बीच में स्मैकडाउन के शो के अंदर इतना अच्छा बुक किया जा रहा था, लेकिन अचानक से उन्हें एकदम कह सकता हूँ जॉबर टाइप बना दिया जाता, तो काफी शॉकिंग थिंग है हम सभी के लिए भी। लेकिन देखते हैं बाकी आगे WWE किस तरीके से मुस्तफा अली की बुकिंग को ठीक करती, वरना मैं अफसोस के साथ ये कह सकता हूँ कि भाई मुस्तफा अली मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद रीसाइन नहीं करेंगे एंड वो AEW कंपनी या फिर कोई इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशन के अंदर हमें जाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन गाइस अब मैं बात कर लूँ आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि इस बार जुड़ी है इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में, कि भाई क्या रही इस हफ्ते रॉ की व्यूअरशिप। जैसे मैंने आप सभी को बताया कि भाई शो इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन ये था गो होम एडिशन समर स्लैम पेपर व्यू को लेकर। तो गाइस आपको बता दूं इस हफ्ते जो रॉ की व्यूअरशिप आई है ये पिछले हफ्ते के मुकाबले 4.6% कम आई है, क्योंकि जो पिछले हफ्ते व्यूअरशिप आई थी वो थी 1.722 मिलियन व्यूवर्स, लेकिन इस हफ्ते जो व्यूअरशिप आई है वो आई है 1.643 मिलियन व्यूवर्स, जो कि जैसे मैंने आपको बताया पिछले हफ्ते के मुकाबले कम जरूर से। और मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई इस हफ्ते व्यूअरशिप बढ़नी चाहिए थी, लेकिन जब पहला घंटा बढ़िया नहीं रहा, दूसरा घंटा भी वैसे रहे, तीसरे घंटे में चलो थोड़ा बहुत एक्शन हुआ वो अलग बात थी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ भाई WWE को अच्छी तरीके से जरूर से बुक करना चाहिए था गो होम एडिशन। नो डाउट WWE बिजी है थंडर डोम की तैयारी करने के अंदर, लेकिन भाई रॉ के एपिसोड पे तो ध्यान दो, वो गो होम एडिशन था और आपने बस उसे ऐसा वेस्ट कर दिया। लेकिन गाइस अब मैं बात कर लूँ हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि इस बार जुड़ी है डोमिनिक मिस्टीरियो के बारे में एंड डोमिनिक मिस्टीरियो के रिंग अटायर के बारे में, जो कि रिसेंटली आ चुके हैं सामने। और आपको बता दूं एक्चुअली में पूरा रिंग अटायर या फिर वो पूरे कपड़े नहीं सामने आ चुके, जो कि एक्चुअली में डोमिनिक मिस्टीरियो पहनेंगे समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर, बल्कि उसका हिंट आया सामने एंड जो एक इंस्टाग्राम स्टोरी वो आप लोग कह सकते हो अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हो, जो पहली इंस्टाग्राम स्टोरी जिसके अंदर आप सभी को ईगल टाइप एक लोगो दिखाई दे रहा है, ये इंस्टाग्राम स्टोरी है उस बंदे की जो कि एक्चुअली में सेथ रॉलिंस रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक का मैं कह सकता हूँ फैशन डिजाइनर है। और जो दूसरी इसकी कह सकता हूँ इंस्टाग्राम स्टोरी है वो है डोमिनिक की तरफ से, जहां पर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से भाई WWE का लोगो है, उनके पूरा जो लोगो है ईगल वाला उसकी सिलाई वगैरह चल रही है। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ पर्पल डिजाइन या फिर व्हाइट डिजाइन टाइप कपड़े डोमिनिक मिस्टीरियो पहनेंगे समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर, और देखते हैं किस तरीके से पहल
वाली रिंग अटायर होती है डोमिनिक मिस्टीरियो की समर स्लैम शो के अंदर। लेकिन गाइस अब मैं बात कर लूँ हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि इस बार जुड़ी है एनएक्सटी एंड रॉ अंडरग्राउंड के बारे में, क्या होने वाला है इन दोनों ब्रांड्स का फ्यूचर जब डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ एंड स्मैकडाउन हमें शिफ्ट होते हुए नजर आने वाले हैं एमवी सेंटर के अंदर। तो काफी सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई जो एनएक्सटी है वो भी हम सभी को शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा एमवी सेंटर के अंदर, या फिर नहीं क्या वो भी थंडर डोम होगा। तो गाइस आपको बता दूं यहां पर कुछ ऐसी अपडेट आई है सामने और ये रिपोर्ट आई है सामने फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से, जहां पर उन्होंने ये वाली बात कंफर्म की कि जहां पर भी फिलहाल एनएक्सटी हो रहा है यानी कि फुल सेल यूनिवर्सिटी के अंदर, वहीं पर जो उसके सारे शोज है वो टेप होते हुए नजर आने वाले हैं। और एनएक्सटी ना परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर जाने वाली है और ना ही जो एनएक्सटी वो आप सभी को एमवी सेंटर के अंदर जाते हुए नजर आने वाले, जहां पर भी फिलहाल एनएक्सटी हो रही है बस वहीं पर आप सभी को वो होते हुए नजर आने वाली। रॉ अंडरग्राउंड के बारे में बात करें तो रॉ अंडरग्राउंड की जो लोकेशन है वो कंफर्म नहीं हुई है, बल्कि ये चीज तो कंफर्म हो गई है कि जो रॉ अंडरग्राउंड है वो आप सभी को अगले हफ्ते भी दिखाई देने वाला है, क्योंकि शेन मैकमैन ने ऑलरेडी इस हफ्ते इस मैच को अनाउंस किया है कि भाई जो आयरिक है या फिर एक बार पता नहीं दोनों में से कोई एक बंदा आप सभी को जिगलर का फेस करते हुए नजर आने वाला है नेक्स्ट वीक रॉ अंडरग्राउंड के अंदर। तो बस देखने में ये मजा ये आने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ अंडरग्राउंड का जो एपिसोड है परफॉर्मेंस सेंटर से ही दिखाती है या फिर नहीं, या फिर जो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी है वो हमें एमवी सेंटर से ही एयर ऑन करती हुई नजर आती है रॉ अंडरग्राउंड को भी। लेकिन गाइस अब मैं बात कर लूं हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि इस बार जुड़ी है द बिल गोल्डबर्ग के बारे में, और गोल्डबर्ग की डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट आई है सामने, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स हैं वो खुद रिसेंटली गोल्डबर्ग ने कर दी है रिवील। तो गाइस आपको बता दूं रिसेंटली ब्रॉडकास्ट के ऊपर गोल्डबर्ग का इंटरव्यू होता है जहां पर ये वाली बात रिवील करते हैं कि 2023 तक उनका पूरा कॉन्ट्रैक्ट है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के साथ। वो बात करते हैं कि इस तरीके से इस साल उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके हिसाब से उन्हें सिर्फ दो मैचेस रेसल करने थे, एक उन्होंने रेसल किया अंडरटेकर के खिलाफ, दूसरा उन्होंने रेसल किया द फिएंड के खिलाफ। लेकिन जो अगला साल होने वाला यानी कि 2021 यहां पर भी इनके हमें दो मैचेस दिखाई देंगे, यानी कि अब जो गोल्डबर्ग की रिटर्न है वो आप सभी को अगले साल दिखाई देने वाली है। अब 2021 के अंदर गोल्डबर्ग के दो मैचेस होंगे एंड 2022 के अंदर भी पॉसिबली गोल्डबर्ग आप सभी को दो और मैचेस रेसल करते हुए नजर आने वाले हैं। 2023 के अंदर गोल्डबर्ग आप सभी को एक अपना आखिरी मैच रेसल करते हुए नजर आने वाले हैं। जैसा आप सभी को मैंने कंफर्म किया कि गोल्डबर्ग का कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि जो उनका पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के साथ ये कुछ उसकी डिटेल्स हैं कि गोल्डबर्ग कब कब आप सभी को डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर आते हुए नजर आने वाले हैं। तो जो लोग भाई द फिएंड के कारण गुस्सा थे कि गोल्डबर्ग ने उन्हें हरा दिया, आपकी दुखखबरी है कि गोल्डबर्ग को एक बार फिर से आप सभी को टीवी स्क्रीन के ऊपर देखना होगा मैच रेसल करते हुए जब वो हमें अगले साल एक बार फिर से दो मैचेस रेसल करते हुए नजर आने वाले। लेकिन गाइस अब हम बात कर लें हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि इस बार जुड़ी है सीनेशन लीडर 16 टाइम चैंपियन जॉन सेना के बारे में, और जॉन सेना के एकदम न्यू लुक के बारे में जो कि रिसेंटली आ चुके सामने। तो गाइस आपको बता दूं जॉन सेना रिसेंटली अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक वीडियो पोस्ट करते हैं जहां पर जॉन सेना एक बुक की प्रमोशन करते होते हैं। यहां पर जॉन सेना कहते हैं कि भाई आप इस बुक को जाके जल्दी से परचेस करो, और जो जो बंदा इस बुक को परचेस करेगा उसके लिए मैं एक फ्री मैसेज रिकॉर्ड करके देने वाला हूं, जो कि पर्सनली जॉन सेना खुद करने वाले हैं। और यहां पर जो कह सकता हूं इस वाले पूरी वीडियो के अंदर जहां पर जॉन सेना इस वाली बुक का प्रमोशन कर रहे हैं उसके अंदर जो फोटो जॉन सेना के सामने आई है वो लोग अपनी स्क्रीन के सामने आप लोग देख सकते हो, जहां पर जॉन सेना की धीरे धीरे करके यहां मूंछें निकल रही हैं। और जॉन सेना मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, पहले के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है इस बार जब जॉन सेना डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर रिटर्न करेंगे हो सकता है वो मूंछों वाले जॉन सेना जो कि देखने में काफी अजीब होने वाला, और अगर डब्ल्यूडब्ल्यू जॉन सेना का हील टर्न प्लान करती है तो मेरे हिसाब से जॉन सेना मूंछों के साथ जरूर से आ सकते हैं। बाकी जॉन सेना अगले साल डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर रिटर्न कर सकते हैं रॉयल रंबल के आसपास, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, और देखते हैं उस टाइम का जॉन सेना मूंछों के साथ आते हैं या फिर बगैर मूंछों के साथ। बाकी गाइस आज की जो ये वाली वीडियो है बस ये यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना। जॉन सेना के न्यू लुक रॉ अंडरग्राउंड एंड बाकी सारी जितनी भी अपडेट्स दी मैंने आपको इस वाली वीडियो के अंदर उसके बारे में आपका क्या थॉट्स है नीचे मुझे ऑफकोर्स कमेंट के अंदर जरूर बताना। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड कमाल की अपडेट्स आगे भी जानने को मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।